हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगड़ी, योर होस्ट एंड दोस्त। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सुपर मास्टर पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपना एक नया वीडियो लेकर, और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे हेड के बारे में, क्योंकि हेड के द्वारा हम किस तरह के सेंटेंस बताते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। बीते हुए समय में, जो बीता हुआ समय है उस समय में हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तु, बिजनेस, रोग आदि था। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, था। बीते हुए समय, जो बीता हुआ समय है उस समय में हमारे पास कोई वस्तु, बिजनेस, रोग आदि था, तब हम स्ट्रक्चर के द्वारा हम बताना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन। सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट से परिचित हैं कि सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब सब्जेक्ट है। और हेड, जैसे हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने यह बताना सिखाया था कि वर्तमान समय में हमारे पास कोई वस्तु, बिजनेस, रोग आदि है, उस वीडियो में हमने यह बताना सीखा था, जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। तो चलिए, वो इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगेगा, जैसे आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, इनके साथ सभी के साथ केवल हेड ही लगेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे राम के पास कला थी, तो राम हेड आर्ट। इस तरह से हम कई एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे मेरे पास संस्कृत का ज्ञान था, आई हैड नॉलेज ऑफ संस्कृत। इसके बाद मेरे पास काला शर्ट था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैड ब्लैक शर्ट। इसी तरह से आप कहीं और एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आगे। तो कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से हम हेड को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस हेड में हम जनरली जो बीता हुआ समय है उसमें हम यह बताते कि हमारे पास कोई वस्तु, बिजनेस, रोग आदि था, यह बताते। तो चलिए इसे और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम समझते हैं। जैसे रंजना के पास खुले पैसे थे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा रंजना हैड चेंज मनी। अगला एग्जांपल, राजू की चार बहनें थी। अब उसके पास चार बहनें नहीं है, मतलब बीते हुए समय में उसकी चार बहनें थी, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा राजू हैड फोर सिस्टर्स। अगला एग्जांपल, कलमा के पास अहंकार था। अहंकार आप परिचित हैं, अहंकार क्या होता है, तो कलमा के पास अहंकार था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कलमा हैड ईगो। अगला एग्जांपल, सुनीता के पास मोबाइल था। हम यह बता रहे कि उसके पास बीते हुए समय मोबाइल था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सुनीता हैड मोबाइल। तो चलिए, ये हमने आज हेड के बारे में सीखा। इस हेड के स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम यह बताते हैं कि बीते हुए समय में हमारे पास कोई वस्तु, बिजनेस, रोग आदि था, हम हेड के माध्यम से यह बताते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।